आज हम इस तरीके से ट्रैवल बैग बनाना सीखेंगे। इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इजीली तरीके से कैसे बनाना है। इसमें यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप है। एक पॉकेट हमने इसके यहाँ पे बनाई है, बड़ी जिपर पॉकेट है हमारी एक इसके यहाँ पे वन, एक छोटी पॉकेट हमारी यहाँ पे है इस तरीके से, और एक जिपर पॉकेट हमारी यहाँ पे है टू, टू पॉकेट्स हमारी यहाँ पे हैं। एक बड़ी पॉकेट जैसे फ्रंट में है सेम, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे है, और यहाँ साइड में भी सेम इस तरीके से दो पॉकेट्स हैं ये है। और यहाँ से हमने इसे इस तरीके से हमारा ये फ्लैप, यहाँ हमने दो जिप लगाई हैं इसके, दो बकल डाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लॉक लगाना चाहें तो लॉक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसकी ओपनिंग है, इस तरीके से इसकी ओपनिंग है, फ्लैप खुलता है इसका, और प्रॉपरली फिनिश बना है अंदर से, इसकी कोई रफ एजेस नहीं है। काफ़ी वाइड ओपनिंग है तो इसमें आराम से इजिली आप कपड़े रखेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आप इजिली कपड़े रख सकते हैं इसमें। तो चलिए हम इस ट्रैवल बैग को बनाना सीख लिए हैं। एक फ्रंट के लिए है और एक बैक के लिए है, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म, ऊपर कपड़ा और सिंपल सिलाई लगाई हुई है। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 19 इंच विड्थ और इसकी लंबाई है 15 इंच। तो एक हम साइड पे रखते हैं, पहले हम एक बनाते हैं। अब हम पहले इसे राउंड शेप देते हैं। राउंड शेप देने के लिए इसे सेंटर में से फोल्ड किया, यहाँ पे इसके सेंटर पे मैंने निशान लगाया। सेंटर पे निशान लगाने के बाद यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाया, 2.5 इंच, और इसे शेप दे दीजिए इस तरीके से। ये मैंने इसे शेप दे दी, इसे कट कर लीजिए। तो ये मैंने ऊपर की तरफ इसे शेप दे दी, जैसे शेप इस पे दी है सेम ऐसे ही इसके ऊपर इसे रख के इसे भी कट कर लीजिए। तो ये दोनों पीसेस पे ऊपर की तरफ शेप आ गई। अब हम इसमें पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट कैसे लगानी है, 10.5 इंच यहां से आपको ऊपर जाना है और यहां पे निशान लगाना है 10.5 इंच। इसे बीच में सेंटर में से कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया। अब सेम इसके साइज की एक जिप ले लीजिए, इसकी एक जिप है ये ले ली है। और हमें क्या चाहिए, जिप जोड़ने से पहले हम स्ट्रैप रेडी करते हैं। और इस तरीके से स्ट्रैप के लिए, हैंडल के लिए मैंने कपड़ा लिया, जो आप लंबाई स्ट्रैप के अपने अकॉर्डिंगली अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने लिया है 4 इंच और इसकी स्ट्रैप की लंबाई है 30 इंच। तो दो स्ट्रैप लिए हैं, तो इससे सिलाई लगा के पहले रेडी कर लीजिए, वन फोल्ड, टू फोल्ड और एक और फोल्ड, और सिलाई लगा लीजिए। और अगर आप रेडीमेड यूज कर रहे हैं तो 30 इंच की कटिंग कर लीजिए इसे। ये देखिए, ये दोनों मैंने स्ट्रैप को रेडी कर लिया, ये भी रेडी हो गई, ये भी रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है इस तरीके से, और हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रैप दूसरे पीस के साथ जोड़नी है तो मैं साइड पे रख लेती हूँ, एक ये एक स्ट्रैप। तो चलिए हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जिप ली हमने, जिप लेनी है, इसे इसके ऊपर रखिए यहाँ से उल्टी तरफ, बकल अंदर की तरफ रखना है हमें इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देखिए इसके ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा दिया, तो इस तरीके से एक जिप पर एक तरफ अटैच हो गई। अब आपको क्या करना है, ये वाला पीस लीजिए, पहले हम इस पर हैंडल अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ इसे रखिए और इसे इस तरफ को रखिए, दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ पे और यहाँ पे इसे दोनों को हैंडल को अटैच कर लिया। ये मैंने स्ट्रैप को सिलाई के साथ अटैच कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये हमारी जिप लग गई थी, ये हमारा रेडी हो गया था। अब इस तरीके से एक पट्टी ली है मैंने, इस तरीके से एक पट्टी ली है, ये है 2.5 इंच और इसकी लंबाई इसके बराबर है। अब आपको करना क्या है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ ये जो जिप है इसे जिप के ऊपर हम लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ पे ये जिपर है
इस तरीके से इसे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, इस तरफ लगा ली, जिप के दूसरी तरफ ये पट्टी लगा ली। ये मैंने इसलिए लगाई ताकि हमारे जिप के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप बने और थोड़ा डिजाइन सा हमारा अच्छा लगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, ये जो पीस था इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे पलट दीजिए इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से करते हुए इसे फ्लैप को नीचे की तरफ इसे ऐसे रखते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब हमें क्या करना है, सेम इस साइज की मैंने एक पीस लाइनिंग कट की है। जिस भी कपड़े की आप लाइनिंग लगाना चाहते हैं, पॉकेट बनेगी इससे हमारी अंदर की, तो ये रखना है इस तरीके से। इसके ऊपर हमने जो ये बनाया है ये रखना है इस तरीके से और इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। ये मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली, तो इस तरीके में जैसे ये रेडी किया है सेम ऐसे ही जो ये दूसरे वाला पीस है बैक वाला, इस पे भी स्ट्रैप लगा के और इस तरीके से जिपर लगा के इसे भी रेडी कर लिया। ये देखिए, जैसे मैंने ये रेडी किया था फ्रंट के लिए, वैसे ही मैंने बैक के लिए भी रेडी कर लिया है। तो दोनों तरफ मैंने इसमें सेम डिजाइन रखा है। अगर आप चाहें तो दूसरी वाली पॉकेट लगाना चाहें, कोई भी डिजाइन आप इसमें बना सकते हैं। तो दोनों फ्रंट रेडी हो गया, बैक रेडी हो गया। अब हम पहले इसके ऊपर के लिए बनाते हैं। तो ऊपर के लिए बनाने के लिए देखिए, इस तरीके से मैंने क्विल्टेड पीस लिया है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ आपको मैंने क्या लिए हैं। यह है 11 इंच और ऐसे मैंने इसे लिया है 27 इंच। तो पहले हम इसे शेप देंगे फ्लैप को और इसमें जिपर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 0.5 इंच आपको यहाँ से आगे जाना है। यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया, इसे सीधा मिला लीजिए, सीधा मिला लिया यहाँ से 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ से हमें लेना है 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और इस निशान को हमें स्ट्रेट मिला देना है 2 इंच पे, यहाँ से भी 2 इंच और इसे हम स्ट्रेट मिला देंगे। ये मैंने इसे स्ट्रेट मिला दिया, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 5.5, यहाँ से 2 इंच, सेम यहाँ से भी 2 इंच, 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और इसे भी सीधा मिला दीजिए। इस तरीके से 5.5 इंच, 2 इंच, यहाँ से 2 इंच और ये जो कॉर्नर्स है इस पे यहाँ पे गोलाई में शेप दे दीजिए। ये मैंने गोलाई में यहाँ पे कॉर्नर्स में शेप दे दी। अब इसकी हम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारा इसमें कट हो गया, यहां से कट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक पीस लाइनिंग सेम इस शेप की, एक पीस इस शेप की और एक इसके बराबर पूरी हमें जिप चाहिए। ये देखिए, मैंने कट कर लिया एक पीस लाइनिंग इसके लिए सेम इस शेप की, एक इसके लिए इसी की तरह सेम और एक हमें चाहिए जिप। तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाले पीस पे लगाते हैं जिप। तो ये लिया इस तरीके से, जिपर लेना है, जिपर को इस तरीके से मैं अलग कर लेती हूँ, रनर हम इसमें बाद में डाल लेंगे। ये मैंने जिप को अलग कर लिया। जिप की जो ये सीधी तरफ है इसे अंदर की तरफ रखना है आपको, जिप की सीधी तरफ है अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे, ये जिप की सीधी तरफ है, ये उल्टी तरफ है, उल्टी तरफ से इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, ऐसे रखते हुए और पूरे राउंड में यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, यहां से लेके यहां तक। ये देखिए, यहां से सिलाई लगाते हुए पूरी मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखना है आपको इस तरीके से, फ्रंट साइड लाइनिंग की फ्रंट साइड इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए और यहां से सिलाई लगाते हुए पूरी सिलाई लगाते हुए यहां तक सिलाई लगा लीजिए, पूरे पे सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद यहां से इसे सीधा कर दीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया इस तरीके से। अब इसे इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर पूरा गोलाई में टॉप स्टिच लगा लीजिए, इसके ऊपर पूरी गोलाई में टॉप स्टिच। मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, तो इस तरीके से अंदर लाइनिंग, बीच में जिपर, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। जैसे ये रेडी किया है वैसे ही हम दूसरी तरफ भी इसके जिप लगाएंगे। और ये लेना है
सेम वैसे ही लगाना है जैसे हमने इस पे लगाया था। ये लिया इस तरीके से, जिप लेनी है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है आपको इस तरीके से जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, ये उल्टी तरफ है, इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से, और पूरा गोलाई में रखते हुए ऐसे यहां से सिलाई लगाना शुरू करते हुए यहां तक पूरा एंड तक इस पे सिलाई लगाते हुए पूरी मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, लाइनिंग वाला पीस जैसे हमने उस पे लगाया था सेम उसी तरीके से इस पे भी लगाएंगे हम। ये सीधा इस तरफ रखना है ऐसे रखते हुए इस तरीके से, इसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाला, और यहां से सिलाई लगाते हुए पूरा सिलाई लगाते हुए यहां तक इस पे सिलाई लगा। ये देखिए लाइनिंग वाले पीस पे भी मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, लाइनिंग वाले पीस को अंदर की तरफ इस तरीके से, और यहां से लेके पूरा राउंड में इसमें टॉप स्टिच लगा ली, ऊपर पूरी टॉप स्टिच लगा ली। अब एक सिलाई यहां भी लगा लीजिए, ये जो हमारा इस तरीके से लाइनिंग वाला ओपन वाला है इस तरीके से एक सिलाई इसके चारों तरफ भी यहां से लेके यहां तक लगा लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें रनर डालेंगे। रनर डालने के लिए क्या करना है, ये वाला पीस इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, ऐसे रखना है। एक रनर हमें यहां से डालना है और एक यहां से डालना है। एक रनर हम इस तरफ से डालेंगे और एक रनर हम इस तरफ से डालेंगे। लेकिन रनर डालने से पहले आपको क्या करना है, पहले हमें इसे पिनअप करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये जिप लगाते हैं तो हमारा ये छोटा बड़ा हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ही रनर डाल देंगे तो आपका ये तिरछा सा हो जाएगा, इसमें प्रॉपरली रनर नहीं डलेगा। तो आपको करना क्या है, इसके लिए यहां से इसे सेंटर में रखना है, इसका सेंटर और इसका सेंटर यहां पे इस तरीके से सेंटर में रख लीजिए, और सेंटर में इसे पिन लगा लीजिए। जैसे देखिए मैंने दोनों जिप को पकड़ लिया इकट्ठे इस तरीके से, सेंटर में इसका बीच में इन सेंटर में लेते हुए, और यहाँ पे मैं इसके पिन लगा दूंगी। ये मैंने पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद इसे गोल इसी तरीके से घुमा लीजिए। इस तरीके से तो ये जो नीचे वाला पीस है, ये जो नीचे वाला है यहां से आपका थोड़ा थोड़ा बड़ा आएगा। इसे हम पहले कटिंग कर देंगे फिर हम इसमें रनर डालेंगे, ताकि हमारी इसकी शेप खराब ना हो। ये देखिए इस तरीके से यहां से भी पूरा लंबाई में। तो ये मैंने पहले एक बार इसे अच्छे से पिनअप कर लिया यहां से लेके यहां तक। अब यहां से जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ये वाली नीचे वाली पट्टी, इसे प्रॉपर बराबर कट कर लीजिए। यहां से भी कट कर लिया मैंने और यहां से भी कट कर लीजिए इस तरीके से। अब इसमें रनर डाल लीजिए, एक रनर इस तरफ से डाल लीजिए और एक रनर इस तरफ से डाल लीजिए, तो वो आपका प्रॉपर आएगा। तो एक रनर यहां से डाल लीजिए और एक यहां से डाल लीजिए। ये देखिए एक रनर मैंने इस तरफ से डाल लिया और एक रनर मैंने इस तरफ से डाल लिया। तो इस तरीके से दो रनर डाल लिए, तो ये मेरा ऊपर वाला फ्लैप बिल्कुल रेडी हो गया। ये रेडी हो गया, फ्रंट रेडी हो गई, बैक रेडी हो गई। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके यहाँ साइड के लिए और बेस के लिए बनाएंगे। डिट पीस लिया है और उसके सेम साइज की एक पीस लाइनिंग ली है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इससे बेस और हमारा साइड वाला हाफ पैनल बनेगा। ये है 11 इंच और इसकी लंबाई है 36 इंच। तो 11x36 इंच का इस तरीके से क्विल्टेड पीस चाहिए। अब पहले हम इस पे लाइनिंग वाला पीस में 2 मिनट साइड पे रखती हूँ, और जो हमारा ये वाला पीस है इस पे हम पहले पॉकेट्स लगा लेंगे। तो पॉकेट्स लगाने के लिए देखिए दो पीसेस लिए हैं मैंने इस तरीके से पॉकेट के लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ आपको क्या है। ये है 11 इंच, इसकी विड्थ ऐसे लगेगी, विड्थ वाइज इसके ऊपर लगेगी, तो इसकी विड्थ इसके बराबर है। और इसकी लंबाई मैंने ली है,
9 इंच इसकी लंबाई है। तो पहले हम इस पर जिप लगाते हैं, इसे साइड पे रख देते हैं। अब ये लिए मैंने, ये 2 पीसेज हैं, 1 और 2। और यहाँ पे हम इसके पहले जिप लगाएंगे, तो हमें एक जिप चाहिए, इसके साइज की हमने जिप चाहिए। अब आपको करना क्या है, ये जिप लिया, इसे ऐसे रखिए इसके ऊपर इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा ली, यहां से लेके यहां तक सिलाई लग गई। अब इसे इस तरीके से टर्न करते हुए इस पे एक टॉप स्टिच लगा, ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया। तो एक तरफ से जिप अटैच हो गई। अब ये दूसरे वाला पीस लेना है, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, इसके ऊपर रखा, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए। और सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे भी टॉप स्टिच लगा, ये देखिए ये मैंने टॉप स्टिच लगा दिया। जो 2 पीसेज मैंने कट किए थे उसके बीच में जस्ट मैंने सिंपल जिप इंसर्ट कर ली। अब यहां से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है आपको, ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड किया, 1/4 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है कि आपको ऊपर की तरफ रहे। इस तरीके से करने के बाद यहां से लेके यहां तक एक सिलाई इस पे और लगा लीजिए, ये देखिए ये मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, यहां से ऐसे और यहां से हमारा ऐसे। अब आपको क्या करना है, इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा है इसके बराबर, इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया अंदर को, और एक सिलाई यहां से लेके यहां तक इस पे लगा ली, ये मैंने सिलाई लगा ली यहां से लेके यहां तक। तो इस तरीके से मेरी पॉकेट बिल्कुल रेडी होगी। जैसे ये पॉकेट रेडी की है वैसे ही मैंने एक और पॉकेट रेडी की है, 2 पॉकेट, तो हमें 2 पॉकेट्स चाहिए। तो चलिए हम इसे लगाते हैं। अब ये जो हमने साइड पैनल बनाया था इस पे हम इसे लगाएंगे, एक पॉकेट हम इस तरफ लगाएंगे, एक पॉकेट हम इस तरफ लगाएंगे। लगा इंच ऐसे रखा और इसके यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली, यहां ऊपर की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, यहां से लेके यहां तक 3 तरफ इस पे सिलाई लगानी है। यहां से हमारी 2 पॉकेट बनेंगी, एक पॉकेट हमारी यहां जिपर वाली बन जाएगी और एक पॉकेट हमारी इस तरीके से सिंपल बन जाएगी। तो हमारी इस तरीके से बनाने में 2 पॉकेट्स बनेंगी एक पॉकेट लगा के। तो ये हमारा हो गया। अब इस पे यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए, एक पॉकेट इस तरफ लगा लीजिए और सेम एक पॉकेट इस तरफ रख के इस पे सिलाई लगा ली। एक पॉकेट मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे सिलाई लगा ली, एक मैंने इस तरफ लगा ली। तो यहाँ मेरी 2 पॉकेट बन गई, एक पॉकेट मेरी देखिए बड़ी सी यहाँ पे बन गई और एक मेरी जिपर पॉकेट यहाँ पे बन गई। तो 1, 2, 3, 4 पॉकेट्स हमारी इसमें बन गई। तो अब हमें करना क्या है, ये लिया, लाइनिंग को भी मैंने नहीं लगाया, अभी बाद में लगाएंगे। ये पीस लिया, इसके ऊपर हमने जो ये ऊपर वाला पीस फिनिश किया था ये वाला पीस लगाना है, ये इसके ऊपर यहाँ से इसे रखिए, इस वाले को ये मैंने रखा इसके ऊपर इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, इस तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली। तो ये हमारा एक तरफ से अटैच हो गया। अब इसी पीस को दूसरी तरफ को अटैच किया, यही अटैच कर रही है, देखिए एक पीस सिंगल पीस हम इसे बना रहे हैं। ये वाला इसे इस तरफ को रखना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये देखिए सिलाई लगा ली। तो ये जो हमने टॉप वाला बनाया था उसके साथ, ये जो मैंने पॉकेट वाला बनाया था उसके साथ मैंने इसे अटैच कर लिया। अब हम इस पे लाइनिंग अटैच कर लेते हैं। तो ये लाइनिंग वाला पीस लिया, जो हमारी इसके साथ की साइज की हमने लाइनिंग काटी थी वो वाली लाइनिंग है, इसे इसी तरफ रखना है, जो हमारा ये वाला फ्लैप है इसके इस तरफ रखना है। ये मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि ये जो हमारे रफ एजेस हैं ये हमारे साथ के साथ फिनिश हो जाए। तो इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई यहाँ लगानी है और दूसरी तरफ से इसे यहाँ पे रखना है इसके ऊपर। तो एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरी तरफ से यहाँ पे, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक और एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे हम पलट देंगे दूसरी तरफ को इस तरीके से। तो हमारे ये जो यहाँ पे रफ एजेस थे वो हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो ये मैंने इसे इस तरीके से पलट दिया। अब इसके यहाँ पे लाइनिंग के ये जो लूस है यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई।
ये देखिए, ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली, तो एक वन पीस मेरे पास ये इस तरीके से रेडी हो गया। ये हमारा टॉप पे आएगा इस तरीके से, ये देखिए। तो ये वाली चीज़ हमारा ओपनिंग टॉप पे आएगी, ये हमारा साइड पे आएगा, ये हमारा बॉटम बन जाएगा। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया। तो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। सेंटर पॉइंट ले लीजिए, इसका मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, और ये जो हमने बनाया है इसमें ये जो टॉप वाला है, ये वाला, ये जो ऊपर का जिपर वाला पोर्शन है, इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़, जो ऊपर वाला हमारा जोड़ है अलग, इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। अब इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट पे रखना है आपको, और हमें इसे राउंड में पूरा सिलाई लगानी है इस तरीके से, फिर यहां को मोड़ते हुए। इस तरीके से ये देखिए मोड़ दिया। अब यहाँ से सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद अब इसे एक तरफ से सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड में इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, तो एक साइड अटैच होगी, जिसे ये अटैच की है सेम उसी तरीके से दूसरी भी करनी है। ये वाला पीस रखना है, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है इस तरीके से, और इसे पूरा राउंड में घुमाते हुए इस तरीके से रखते हुए, ये देखिए सिंपल, इस तरीके से रखते हुए पूरा राउंड में घुमाते हुए यहां से लेके पूरा यहां तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, जैसे इस पे लगाई है। ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये मेरा बन गया। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे इसमें दो ही रफ एजेस हैं, बाकी तो हमारा सारा फिनिश था, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक ये जो रफ एजेस है, एक सिंगल पाइपिंग लगा के एक वन, और एक सिंगल पाइपिंग लगा के टू। इन ये देखिए रफ एजेस फिनिश करने के लिए इस तरीके से सिंपल पट्टी ले ली मैंने, इसे फोल्ड कर लीजिए, वन फोल्ड यहां से और यहां से फोल्ड, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई से इसे वन और टू दोनों साइड्स, ये जो रफ एजेस है इसको फिनिश करें। ये जो रफ एजेस थे इसके, ये सारे मैंने इस तरीके से पट्टी लगा के, जिसे हम नॉर्मल पाइपिंग लगाते हैं उससे मैंने फिनिश कर दिया। इस तरफ से भी एक तरफ वन और टू दोनों तरफ से, तो ये अंदर की तरफ से देखिए हमारा बैग बिल्कुल फिनिश बनता है। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए इसमें कोई भी रफ एजेस नहीं है, यहाँ से प्रॉपर फिनिश चारों तरफ से, हर जगह से प्रॉपर फिनिश बनता है, तो इसमें कोई भी रफ एजेस नहीं है, तो बहुत ही सुंदर बनता है देखिए अंदर की तरफ से पूरा फिनिश। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, बस यहाँ जिपर वाले पोर्शन से यहां से इसे सीधा कर लीजिए। कॉर्नर्स निकाल लीजिए अच्छे से, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा ये बैग रेडी हो गया। देखिए एक जिपर पॉकेट हमारी यहाँ बन गई, इसकी बड़ी पॉकेट, एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई, टू यहाँ पे बन गई, यहाँ पे हमारा देखिए इस तरीके से ये फ्लैप ओपनिंग है, इस तरीके से वाइड ओपनिंग है। तो देखिए काफी बड़े साइज का बना है, काफी सुंदर और काफी बड़े साइज का देखिए। तो इसमें आपका काफी सारा सामान आ जाएगा अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, और यहाँ से इस तरीके की फ्लैप ओपनिंग है, तो आप इसमें सामान भी इजीली रख सकते हैं, देखिए बिल्कुल आराम से सामान रख सकते हैं, और यहाँ से ये बंद हो जाएगा जिपर के साथ, यहाँ से इसे बंद करके अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं तो इसमें लॉक भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा बैग बिल्कुल देखिए रेडी हो गया है, एक बड़ी पॉकेट हमारी इसके यहाँ बन गई, देखिए फ्लैप के साथ काफ़ी बड़ी पॉकेट है इस तरीके से,
तो ये हमारा बैग बिल्कुल ये इस तरीके से, तो बैग बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैं इसमें आपको कपड़े डाल के दिखा देती हूँ। ये तो कपड़े डालने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा। देखिए यहाँ पे जिपर के साथ बड़ी पॉकेट, एक पॉकेट यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ साइड में एक पॉकेट हमारी यहाँ पे और एक जिपर पॉकेट यहाँ पे, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे है क्योंकि हमने बैक और फ्रंट का सेम डिज़ाइन बनाया था। एक पॉकेट और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे है। और यहाँ से देखिए इस तरीके से ओपनिंग, इस तरीके से ओपन हो जाएगा फ्लैप वाला, तो आप इजीली अपने कपड़े इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बनाने में आसान और बिल्कुल रेडी हो गया।